जाए इस मोबाइल रेडिएशन से बचने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि आने वाले 9 पॉइंट्स पे अमल करना है और आप इस घातक मोबाइल रेडिएशन से बच जाएंगे। तो ध्यान दीजिए। नंबर एक, बच्चों के हाथों में मोबाइल अगर देना बहुत ज़रूरी हो तो उन्हें मोबाइल हाथ में पकड़ाइए और हैंड्स फ्री और वीडियो कॉलिंग करने कहिए। अगर वे फ़ोन कान पर लगाकर वॉइस कॉल लेंगे तो रेडिएशन डीप पेनिट्रेट कर जाएगा, यानी गहरे अंदर तक जाएगा। हम तो ये सलाह देंगे कि इस्तेमाल कम से कम कराइए। ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने से बच्चों में पिंसर ग्रास्प यानी पेंसिल पकड़ने की ताकत ख़त्म होती हुई भी देखी गई है। नंबर दो, महिलाएं अपने ऊपर की जेब ब्रेस्ट पॉकेट में मोबाइल बिल्कुल ना रखें और ना ही अपने ऊपरी अंतः वस्त्रों में, इससे ब्रेस्ट कैंसर का खतरा होता है। नंबर तीन, महिलाएं और मर्द दोनों अपनी पिछली जेब में बिल्कुल मोबाइल ना रखें। ये कमर के दर्द से लेकर शियाटिका जैसी अन्य बीमारियों का कारक भी पाया गया है। मर्दों में पैंट के आगे की जेब में फोन रखने से नपुंसकता और स्पर्म की संख्या में गिरावट आने की शिकायतें आए दिन दर्ज हो रही हैं, तो बिल्कुल बचें सामने रखने से। नंबर चार, जब आप कॉल ले रहे होते हैं तो कोशिश कीजिए कि फोन को कान से थोड़ी दूरी में पकड़ें, क्योंकि रेडिएशन की क्वांटिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस या दूरी से। अगर आपने 2 इंच का भी डिस्टेंस रखा तो रेडिएशन 50% हो जाएगा, और अगर आपने हेडसेट या ईयरफोन का इस्तेमाल किया या हैंड्स फ्री यूज़ किया तो और भी अच्छा। जितना हो सके फ़ोन शरीर से दूर रखने की कोशिश कीजिए। नंबर पाँच, रात में फ़ोन साथ लेकर ना सोएं और तकिए के नीचे तो बिल्कुल ना रखें, क्योंकि ये आपको इस घातक रेडिएशन का लॉन्ग एक्सपोजर देगा और नुकसान भी घातक होंगे। कोशिश कीजिए रात को अपने बेडरूम को नो मोबाइल जोन बनाने की। अगर रात में मोबाइल चेक करने की लत ही लग गई है तो कोई मोबाइल स्टैंड जैसा प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, जिससे आपको उसे शरीर के पास न रखना पड़े और हाथ टांग कर भी न रखने पड़े। नंबर छः, ब्लूटूथ हेडफोन बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करें। साथ ही तेज़ गति से मूव करते वक्त या बाइक कार ट्रेन में मोबाइल फ़ोन न यूज़ करें। ऐसा करने से न सिर्फ रोड एक्सीडेंट्स का खतरा बढ़ जाता है, बल्कि हाई स्पीड में मूव करते वक्त आपका फ़ोन लगातार टावर चेस करता रहता है, इसलिए इस वक्त रेडिएशन सबसे अधिक और तेज़ होता है। नंबर सात, फ़ोन में बात करते वक्त लगातार साइड्स चेंज करते रहें ताकि कम से कम एक्सपोजर हो। नंबर आठ, बैटरी लो होने पे भी फ़ोन यूज़ ना करें, इस वक्त रेडिएशन स्ट्रॉन्ग होता है। नंबर नौ, सबसे ज़रूरी बात, सबसे कम SAR स्पेसिफिक अब्जॉर्प्शन रेट रेटिंग्स वाला फ़ोन यूज़ करें। कुछ पॉपुलर ब्रांड्स की ये रही लिस्ट। दोस्तों, आने वाली जनरेशन में नोमोफोबिया जैसी बीमारी होने के प्रबल चांसेस हैं। नोमोफोबिया एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसमें मरीज बिना सेल फोन के रहने के खौफ से ग्रस्त होता है। ऐसे लोग मोबाइल के बिना रहने से डरते हैं, तो आने वाली जनरेशन को इस बीमारी से बचाएं और ये वीडियो मैसेज जितना हो सके शेयर करें, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और यूट्यूब पर। जान लो, ये फ़ोन तुम्हारी जान ले लेगा। We'll be right back.